हाँ जी नंबर तीसरा आपका होता है इरेगुलर डेक्लिनेशन, इरेगुलर डेक्लिनेशन ये मतलब इरेगुलर इन नेचर होता है, मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक आना कोई एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं होती है, स्टॉर्म्स आना बिजली का गिरना कोई आपका एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं होता है, तो ये आपके इरेगुलर इन नेचर होते हैं एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, इनको एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड नहीं किया जा सकता है। मे बी रीजन क्या होता है, मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स सोलर इन्फ्लुएंसेस एंड हमारा जो लास्ट आर्टिकल होता है, लास्ट डेक्लिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेकुलर डेक्लिनेशन। बी केयरफुल, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर फोर्थ वन इज द सेकुलर डेक्लिनेशन। सेकुलर डेक्लिनेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेकुलर डेक्लिनेशन का, रीजन कैसा होता है, क्या प्रिडिक्शन होती है। मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। आपका जनरली पीरियोडिक इन नेचर होता है, साइन वेव को फॉलो करता है, पेंडुलम की तरह आपका पेंडुलम जैसे स्विंग करता है, स्विंग्स लाइक ए पेंडुलम। बेसिक एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे यहां पर पार्टिकुलर किसी मान लीजिए कोई खेत आज के 250 साल के बाद वहां पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी होंगी, तो खेतों की वजह से आज डिस्टर्बेंस बहुत कम है। बिल्डिंग बनने के बाद वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा होंगी, लिफ्ट की मूवमेंट होगी, ह्यूमन बींग की मूवमेंट होगी, तो और जो डेक्लिनेशन है वो डेक्लिनेशन अपनी विंग्स को चेंज ही कर जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब कहने का आपका जो ईयरली डेक्लिनेशन था, जो मैग्नेटिक निडल थी जो एक साइड में जो स्विंग कर रही थी ईस्ट में, वो कुछ सालों के बाद रुक जाएगी एक प्लेस पर आकर के, एक जगह पर आकर के वो रेस्ट करेगी 24 से 36 hours तक। वो डिपेंड करता है सरफेस पे वहां पर डिस्टर्बेंसेस कितने हो चुके होंगे उस टाइम पर, एंड उसके बाद स्विंग उसको करना तो सेम डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होने की वजह से उसकी स्विंग होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग होती है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेकुलर डेक्लिनेशन। आपका वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है पेरिस का डेटा, 1680 ईस्वी में पेरिस में 11 डिग्री ईस्ट का आपका नॉर्मल डेक्लिनेशन था। सन 1820 में 140 साल के बाद इसका जो डेक्लिनेशन पाया गया वो 22 डिग्री वेस्ट पाया गया, डायरेक्शन चेंज हुई मिली। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है सेकुलर डेक्लिनेशन का, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 100 साल से लेकर के 250 साल तक, जनरल टाइम पीरियड ऑफ द सेकुलर डेक्लिनेशन। ओके, तो पीरियोडिक इन नेचर होता है, पीरियोडिक इन कैरेक्टर, और यू कैन से नेचर फॉलोज साइन वेव पैटर्न को फॉलो करता है, स्विंग्स लाइक ए पेंडुलम की तरह स्विंग करता है, टाइम पीरियड आपका 100 साल से 250 साल होता है। एग्जाम्पल है इन पेरिस और यू कैन से एग्जाम्पल इज रिकॉर्ड्स शोज ए वेरिएशन फ्रॉम 11 डिग्री ईस्ट इन 1680 टू 22 डिग्री वेस्ट इन 1820 इन पेरिस। इनकी प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है, जो इनकी प्रिडिक्शन होती है वो प्रिडिक्शन कैसे होती है, फॉर ए गिवन प्लेस
magnetic needle after moving continuously in one direction from many years, बहुत सालों से एक डायरेक्शन में मूव करने के बाद आफ्टर मेनी ईयर्स ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट, धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाती है एंड स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए मैग्नेटिक नीडल एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, धीरे धीरे रेस्ट पे आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। यह आपकी प्रिडिक्शन होती है सेकुलर डेक्लिनेशन की, नॉट किसी फ्रैक्चर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक कंपास। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा पहले मैग्नेटिक कंपास के बारे में। देखिएगा ध्यान से, मेन आर्टिकल इज थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक कंपास। हम लोगों का जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो निडल बनती है वो निडल मैग्नेटाइज्ड आयरन या स्टील की बनती है। सिलेंडर सिमेट्रिकल बार, पतली सिमेट्रिकल बार, दोनों साइड में सिमेट्रिकल होती है। लाइकवाइज दिस वे, वो निडल जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो बिल्कुल आपकी सिमेट्रिकल होती है। ये एज बार टाइप होती है या आपकी नॉर्मल ब्रॉड टाइप निडल हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कौन से प्रकार का ये कंपास है। सेकेंड वन पॉइंट इज, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, निडल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवोट पॉइंट के जस्ट बिलो प्रोवाइड करना चाहिए। पिवोट पॉइंट का मतलब होता है जो आपका कंपास होता है, कंपास में जो निडल होती है ऊपर जो आपने पेच बंद कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द पिवोट पॉइंट। जस्ट उसके नीचे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अगर ये एसिमेट्रिक होगी तो ये गड़बड़ कर देगी, रोटेट नहीं हो पाएगी। तो जनरली ये दो पॉइंट्स डिस्कस करते फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपका जो कंपास निडल इज मेड ऑफ ए सिलेंडर सिमेट्रिकल बार ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन या स्टील। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तक के लिए, फॉर स्टेबिलिटी, सीजी ऑफ निडल शुड बी एज फार एज बिलो or as below the pivot point as possible। इस पॉइंट को जनरली अपन पीवोट पॉइंट का नाम दे सकते हैं। 3D डायग्राम में तो दिख जाएगा, 2D डायग्राम में ये दिख नहीं पाएगा, पीवोट पॉइंट। ओके, नाउ जनरली जो आपका मैग्नेटिक निडल होता है वो मैग्नेटिक निडल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सपोर्ट हम कर देते हैं तो उसको घुमाने वाला कोई ना कोई बैरिंग तो लगा होगा उसके अंदर। उस बैरिंग का नाम होता है कप टाइप जेवल्ड बैरिंग। ओके, ये आपका है तीसरा पॉइंट। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके कंपास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम लोग तीन प्रकार के कंपास को डिस्कशन करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रिज्मेटिक कंपास, वन इज कॉल्ड एज द सर्वेयर्स कंपास, एंड वन इज कॉल्ड एज द ट्रफ कंपास। बट ट्रफ कंपास जो हमारा होता है, ये ट्रफ कंपास हमारा यहां पर यूज में नहीं आता कंपास सर्वेइंग में। दैट इज एन एक्सेसरी टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की एक मेन एक्सेसरी होती है ट्रफ कंपास, जो कि प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन करवाने के लिए काम आता है। ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग डिस्कशन करते हैं मैग्नेटिक कंपास। सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास की जो निडल होती है
जो प्रिज्मेटिक कंपास की जो आपकी निडल होती है वो ब्रॉड टाइप निडल होती है, लाइकवाइज दिस वे ब्रॉड टाइप निडल होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होता है, ओके ब्रॉड टाइप निडल होती है, जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है इसके अंदर वन ऑब्जेक्ट बीम एंड वन आई वेन होता है, मतलब एक वेन के अंदर तो ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है, मतलब एक ब्लेड के अंदर तो, और दूसरे वेन के अंदर धागा होता है, वन ऑब्जेक्ट वेन एंड वन आई वेन होता है, ओके जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है आपने देखा होगा उसके अंदर एक हल्का सा एल्यूमिनियम रिंग हिलती रहती है, उसके नीचे रीडिंग्स पढ़ी जाती हैं, तो आपका जनरल केसेस में जो ग्रेजुएशन कार्ड और यू कैन सी मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड बिलो द एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड कार्ड। मैग्नेटिक निडल जो होती है वो एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड कार्ड के नीचे रखी रहती है, एल्यूमिनियम रिंग जो है इज प्लेस्ड बिलो, याद रखेंगे बिलो, ओके वन ऑब्जेक्ट वेन वन आई वेन ब्रॉड टाइप निडल होती है, जो ग्रेजुएशंस होती है, जो आपकी ग्रेजुएशंस होती हैं वो ग्रेजुएशंस कुछ इस प्रकार होती हैं, 0 degree एट साउथ, 90 degree एट वेस्ट, 180 degree एट नॉर्थ, 270 degree एट ईस्ट, और इसका मतलब बढ़ी कैसे बढ़ी, ग्रेजुअली मतलब इरेक्टेड इन्वर्टेड हुई, मतलब आपकी इरेक्टेड, और जो ग्रेजुएशंस होती हैं ये ग्रेजुएशंस इरेक्टेड बाय 1 degree एंड हाफ डिग्री, मतलब 0 से 90 में जो बढ़ेंगी ये 0 से आधी डिग्री 1 degree 1.5 degree 2 degree 2.5 degree 3 degree 3.5 degree 4 degree अप टू 100 इस प्रकार से, इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, वो आधी डिग्री होता है, मतलब 30 मिनट होता है, जो लिस्ट काउंट होता है वो आधी डिग्री या 30 मिनट होता है। इस पर्टिकुलर कंपास के लिए आपको ट्राइपोड की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको हाथ में रख के भी काम कर सकते हैं, ट्राइपोड में और मे नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है आपका इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इवन बाई होल्डिंग इन द हैंड्स, हाथों में रख के भी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है, यह आपका है अबाउट द मैग्नेटिक कंपास, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं।